गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स. एज यू नो दैट वी हैव डन आर फर्स्ट एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ सेकंड पेज. नाउ वी आर गोइंग टू डू द थर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर. आगे का पार्ट कर रहे हैं. आपको पता है कि हम लोगों ने कुछ हिस्सा कर लिया था कि जहाँ पर वो अपने मदर के बारे में बताती है कि कैसे उसकी मदर ने वो सारा सामान जो है वो दिया मिसेस डॉलिंग को. अब आगे पढ़ते हैं. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड. तो मैंने माँ से पूछा, क्योंकि माँ ने इससे पहले ये बताया था कि उसने मुझे ये कहा था कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हें लूज करनी पड़ेगी, खोनी पड़ेंगी, तो इसलिए इससे अच्छा है कि तुम वो सारी चीज़ें मुझे दे दो, मैं उन्हें सेफ रखूँगी. और इसी बात को लेकर के इसकी माँ ने जो है वो कंसेंट दे दी, सहमति दे दी कि ठीक है अभी आप ले जाओ और मैं उस मेरी चीज़ों को और आप सेफ रखिए, और वो सारी चीज़ें एक एक करके ले जाने लगी. अब बात यहाँ पर आती है कि जब वो सारी चीज़ें एक एक करके ले गई तो लड़की पूछती है, ये जो बेटी जो है ऑथर जो है वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास था, हैव यू एग्रीड, क्या तुम सहमत हो गई विद हर उसके साथ में दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, कि वो सारी चीज़ें अपने पास में रखेगी. मैंने उससे पूछा, एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, एज इफ जैसे कि दैट्स नेसेसरी, यही आवश्यक है. उसने मेरे सामने ऐसा प्रटेंड किया, ऐसा दिखावा किया कि यही बहुत जरूरी है, यही करना होगा. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. फिर उसने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा कि तुम मुझ पर क्वेश्चन रेज कर रही हो, ये तो क्या है, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये तो क्या है, एक इंसल्ट है मेरी, जैसे जिस तरह से तुम बात कर रही हो ये एक इंसल्ट है मेरी. एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज रनिंग, और सोचो उस जोखिम के बारे में जो वो ले रही है सामान यहाँ से ले जा करके उसको सेव करने का. ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ आवर डोर, कि हर बार जब वो हमारे दरवाजे से बाहर की ओर जाती है विद ए फुल सूटकेस और बैग, पूरा सूटकेस और बैग को भर करके जब वो लेके जाती है तो सोचो कितना जोखिम वो उठा रही है. और तुम मेरे साथ इस तरह से बात कर रही हो, इंसल्ट कर रही हो तुम मेरे डिसीजन की. माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, परंतु उसके बाद में मेरी माँ ने ध्यान दिया, पूरी तरह से ध्यान दिया कि भी मैं सहमत नहीं थी, मैं पूरी तरह से, एंटायरली मतलब पूरी तरह से मैं सहमत नहीं थी उनकी बात से. शी लुक्ड एट मी री प्रूविंगली, वो वापस से मेरी तरफ उसने इस तरह से देखा कि वो पुनः ये प्रूव करना चाहती हो, ये सिद्ध करना चाहती हो कि भी मैं सही थी. एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद में हमने इसके बारे में और कोई बात नहीं की. मीनवाइल इसी दौरान क्या हुआ, आई हैड अराइव्ड द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. इसी दौरान क्या हुआ, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, क्योंकि वो उस घर से पैदल जा रही थी और इसी दौरान ये सारी बातें सोच रही थी. अब वो उसकी ध्यान भंग हुआ, वो अपने घर से जा रही थी वापस पैदल. अब जैसे ही वो वहाँ से अपने घर से पैदल जा रही थी तो वो अपने घर से मतलब मिसेस डॉर्लिंग के पास में आई थी, और उसके घर से वो वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी. अब वो रेलवे स्टेशन पहुँच गई. इसी दौरान क्या हुआ, आई हैड अराइव्ड, मैं पहुंच चुकी थी स्टेशन के ऊपर विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, बिना ज़्यादा ध्यान दिए हुए टू थिंग्स ऑन द वे, कि कौन सी चीज़ें रास्ते के अंदर आई थी और मैंने क्या क्या देखा. मुझे कुछ भी नहीं ध्यान है, बस मैं तो केवल सोच सोच में चलती रही और रेलवे स्टेशन पहुंच गए. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर. मैं एक बार फिर उन्हीं फैमिलियर परिचित मैं एक बार फिर उन्हीं परिचित स्थानों के ऊपर घूम रही थी जो मेरे पहले मैं देख चुकी थी और जहां मैं पहले घूम चुकी थी. आफ्टर सिंस द वॉर, यानी कि युद्ध के बाद में. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैट देन वॉज नेसेसरी, परंतु मैं और आगे जाना नहीं चाहती थी. आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर मतलब आगे, कि मैं और आगे नहीं जाना चाहती थी. देन बजाय वॉज नेसेसरी, जो कि आवश्यक था. I didn't want to upset myself with the sight of street. मैं अपने आप को और ज़्यादा बेचैन नहीं करना चाहती थी, अपसेट नहीं करना चाहती थी with the sight of streets, उन गलियों के दृश्यों को देख करके भी, उन गलियों में मैं पहले घूमती थी. And houses, उन घरों को देख करके full of memories, जो मेरी यादों से भरे हुए थे from a precious time, एक बहुत ही precious, बेस कीमती जो समय मैंने यहाँ पे बिताया था उस समय की यादों से वो भरे हुए थे, और मैं उनको देख करके वापस दुखी और ज़्यादा नहीं होना चाहती थी. इन द ट्रेन बैक आई सा मिसिस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन. अब मैं जाकर के ट्रेन में बैठ गई. जब मैं ट्रेन में बैठी तो अचानक ही वो मिसिस डॉलिंग मेरे सामने एक बार फिर आ गई यादों में, चल करके वो वहाँ नहीं आई थी, यादों में एक बार फिर वो मुझे याद आने लगी. एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि आई हैड द फर्स्ट टाइम, मुझे पहली बार मौका मिला था ये आई मेट हर, जो मैं उससे मिली थी. इट वॉज द मॉर्निंग, ये सुबह की बात थी. आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर,
आफ्टर द डे, उस दिन के बाद में माई मदर हैड टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे बताया था आई अबाउट हर, उसके बारे में, यानी कि पहले वो यादों में बताया था ना कि उसकी माँ ने बताया था कि वो लेकर के जाती है. अब वापस से उसे याद आने लगा कि जब मेरी माँ ने मुझे बताया था उसके बाद में मैं पहली बार उससे मिली थी. आई हैड गॉट अप लेट, और मैं बहुत ज़्यादा देरी से उठी थी उस दिन, एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और मैं नीचे सीढ़ियों से होते हुए आई. आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. ऐसा मैंने देखा कि माई मदर अबाउट टू सी, मेरी माँ जो है वो मिलने वाली थी समवन आउट, किसी से बाहर, कोई बाहर खड़ा था और उसे वो मिलने ही वाली थी. ए वीमन विद ए ब्रॉड बैग, एक महिला जिसकी एक बहुत ही चौड़ी पीठ है. ब्रॉड बैग, ब्रॉड मतलब चौड़ी, बैग यानी कि पीठ, कि जिसकी एक बहुत ही मोटी चौड़ी पीठ है उससे वो मिल रही है. मैंने ऐसा देखा. देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर, मेरी माँ ने उसे कहा कि वो मेरी बेटी है. सी बेकन टू मी, उसने मुझे इशारा करके भी बुलाया. The woman nodded, महिला ने क्या किया, गर्दन हिलाई, and picked up the suitcase, और उसने तुरंत suitcase उठाया. Under the coat rack, अपने coat rack के नीचे, she wore a brown coat, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सा brown color का coat उसने पहना हुआ था, and a shapeless hat, और एक आकार विहीन, मतलब बदसूरत सा, बेकार सा एक hat जो है वो भी पहना हुआ था उसने, और वो वहाँ से चली गई, वो मुझसे मिली नहीं. Does she live far away? I asked. मैंने उसे पूछा, अपनी माँ से पूछा, क्या वो बहुत ज़्यादा दूर रहती है? Seeing the difficulty, क्योंकि उसकी परेशानी को मैंने देखा कि वो कोट के नीचे डाल करके सूटकेस को लेकर के जा रही थी. She had going out of the house with the heavy case, क्योंकि वो अपने घर एक बहुत ही भारी भरकम सूटकेस को लेकर के जा रही थी. इन मार्कोनी स्ट्रीट, मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो मार्कोनी नामक गली के अंदर रहती है. सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, नंबर 46, जिसके घर का नंबर क्या है 46, रिमेंबर दैट, याद रखना इसको, ये नंबर क्या है 46 है जहाँ पर वो रहती है. और अचानक उसे याद आया, मेरी माँ ने 46 ही कहा था, और आज मैं जहाँ मिल के आई थी वो भी नंबर 46 ही तो है, तो इसका मतलब ये वही तो है. आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैंने वो याद रखा था, वो नंबर 46 मुझे बहुत अच्छी तरह से याद था. बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु मुझे इंतज़ार करना पड़ा एक बहुत लंबा समय वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय बाद अब यहाँ पर आई थी. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, कि शुरुआत में, इनिशियली प्रारंभिक रूप से, शुरुआत में, आफ्टर द लिबरेशन यानी कि जब हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी के पश्चात, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रही थी इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, कि वो जितना भी स्टोर किया हुआ स्टफ था उस सामग्री को लेकर के, स्टफ का मतलब सामग्री, कि वो जितनी भी चीज़ें हैं, थिंग्स जिसको कह सकते हैं, ठीक है, कि जितनी भी वो चीज़ें हैं, जो सामग्री वो हमसे लेकर के आई थी, शुरू में मैंने उसके बारे में कोई चिंता नहीं की. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और निश्चित रूप से मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी थी इन चीज़ों को लेकर के, अफ्रेड, मैं डरी भी थी, अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग्स टू आ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड. अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड, कि मैं इस बात से डरी भी थी कि कहीं मैं वापस से अपना संबंध स्थापित ना कर लूँ विद थिंग्स, इन चीज़ों के साथ में, दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन, कि जो एक बहुत अच्छा कनेक्शन मुझसे रखते थे, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब मेरे अंदर उनके लिए कोई जो है वो अस्तित्व नहीं था, वो अब उनका संबंध मेरे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता था, मैं भूल चुकी थी उनको, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं वापस जाऊँ और उन चीज़ों को वापस से मैं क्या करूँ, उनके साथ में अपना संबंध स्थापित कर लूँ. तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. विच वर हिडन अवे इन द कबर्ड्स, कि जो मेरा एक लगाव छुपा हुआ था किसके साथ में, कबर्ड्स, अलमारियों के अंदर, एंड बॉक्सेस, संदूकों के अंदर, एंड वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, एंड वेटिंग इन वेन, और मैं व्यर्थ में ही, वेन का मतलब व्यर्थ, वेन, यूजलेस, व्यर्थ, वेटिंग इन वेन, मैं इंतजार कर रही थी व्यर्थ में ही, अनटिल, जब तक कि दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, कि उनको वापस से अपने स्थान के ऊपर नहीं लगा दिया जाए. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, जहाँ पर वो सुसज्जित, एंड्योर का मतलब सजाना, कि जहाँ पर उनको सजाया गया था ऑल दोज ईयर्स, उन सब सालों के अंदर, बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ें थी जिसलिए उनको सजाया गया था, और वह बहुत यूनिक थी अपने आप में, और सजावटी थी, बहुत अच्छी लगती थी.
बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, परंतु धीरे धीरे सारी चीज़ें एक बार फिर नॉर्मल हो गई, सामान्य हो गई. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, कि ब्रेड जो है वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, अब उसका जो कलर है वो बहुत ही हल्का सा आने लगा. देर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अंडर थ्रीटन, कि वहाँ पर एक ऐसा बेड था जिसके अंदर आप सो सकते थे, अंडर अनथ्रीटन, बिना डरे हुए, बिना धमकाए हुए, बिना डरे हुए तुम उसके अंदर सो सकते थे. ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, कि एक ऐसा कमरा वहाँ पर था विद ए व्यू, एक ऐसे व्यू के साथ में, एक ऐसे नज़ारे के साथ में, ऐसी सीनरी के साथ में, जिसे यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग, कि जिसे तुम ज़्यादा अभ्यस्त होते हो देखने के, ग्लांसिंग मतलब देखना, एट ईच डे हर दिन. एंड वन डे आई noticed, परंतु उसके बाद में एक दिन मैंने ध्यान दिया, आई was curious, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी अबाउट ऑल द possessions, मेरे इन सब possession मतलब अधिकार, यानी कि जो मेरे थे उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा curious हो गई इन सारी चीज़ों को लेकर के, और मैंने निर्णय लिया कि मैं अवश्य ही जा करके उन चीज़ों को देखूंगी. दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और मुझे लगा कि वो सारी चीज़ें अवश्य ही उस पते पर अब भी होंगी. I wanted to see them, मैं उन्हें देखना चाहती थी, touch them, उन्हें छूना चाहती थी, remember, मैं उन्हें याद करना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे याद थे, मैं उन्हें देख करके अपनी यादें ताज़ा करना चाहती थी, इसलिए मैं उन चीज़ों को और जा करके देखना चाहती थी. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. मैं वहाँ बैठी सोच रही थी कि मैं जब पहली बार Mrs. Darling के पास में गई तो वो मेरी व्यर्थ चली गई, वेन, वो यूजलेस था मेरा विजिट वहाँ पे करना, मेरा वहाँ पर जाना यूजलेस था, कि क्यों ना मैं दूसरी बार प्रयास करूँ. आई डिसाइडेड, तो मैंने निर्णय लिया टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, कि मैं एक दूसरी बार फिर कोशिश करूँगी. नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, इस बार जब मैं दोबारा उसके घर पर गई तो एक 15 साल की लड़की ने दरवाजे को खोला टू मी, मेरे लिए. आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ हर मदर वॉज एट होम, कि क्या उसकी माँ घर पर है. नो सी सेड, उसने कहा नहीं नहीं मेरी माँ घर पर नहीं है, माई मदर्स डूइंग एन अरेंड, कि माई मदर्स डूइंग एन अरेंड, कि मेरी माँ जो है वो किसी काम के अंदर व्यस्त है, वो बाहर गई हुई है. नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं उसके लिए इंतज़ार कर लूँगी. उसने कहा कि मेरी माँ बाहर कोई सामान वगैरह लाने के लिए गई है, तो उसने कहा कि ठीक है मैं इंतज़ार कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वापस से आ जाऊँगी. ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर पूरा खत्म कर दिया जाए हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.